और दिल्ली से बीजेपी के सीएम उम्मीदवार किरण बेदी आज नामांकन भरने वाली है। नामांकन भरने के लिए वो निकल पड़ी है। इस दौरान वो रास्ते में कई लोगों से बात करते जा रही हैं। उसे चाय वाला, सफाई वाला, रिक्शा वाला और आम महिला भी शामिल है। किरण बेदी ने जाने से पहले ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि मैं जा रही हूं अपना नामांकन भरने, और कहा कि आई एम इन लव एंड इन फैसिनेशन विद दिस सिटी, जहां पर मैंने 14 साल की उम्र में टेनिस खेलना शुरू किया था जूनियर टेनिस प्लेयर के तौर पर। किरण बेदी ने ट्वीट किया और अपना नामांकन भरने जा रही है। और आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। सफाई कर्मचारी से मुलाकात की, अपना नामांकन भरने के लिए वो यहाँ से निकली है और तमाम आम आदमियों से ये मिलते हुए यहाँ पर निकल रही है जो उन्हें रास्ते में मिल रहे हैं। और बड़ा ही दिलचस्प है ये, क्योंकि नामांकन भरने उनको जाना है लेकिन बीच में वो वक्त निकाल कर भैया इधर हेलो। हाँ सर, सर वो अच्छा फिर लाइफ में कैमरा पीछे, हेलो कैमरा पीछे, तुम जैसे निकल। हाँ सर, हाँ कोई ठीक है। अच्छा ये, और इसके पहले ही उन्होंने सफाई कर्मचारी से मुलाकात की, अपना नामांकन भरने के लिए वो यहाँ से निकली है और तमाम आम आदमियों से ये मिलते हुए यहाँ पर निकल रही है जो उन्हें रास्ते में मिल रहे हैं। और बड़ा ही दिलचस्प है ये, क्योंकि नामांकन भरने उनको जाना है लेकिन बीच में वो वक्त निकाल कर भैया इधर हेलो। हाँ सर, सर वो अच्छा फिर लाइफ में कैमरा पीछे, हेलो कैमरा पीछे, तुम जैसे निकल। हाँ सर, हाँ कोई ठीक है। इसके बाद किरण बेदी ने वहां पे जो रिक्शा चालक है उनसे ही मुलाकात किया, ये देखते हैं। कोई कोई कम पैसे देते हैं, 20 चलते तो 10 देते हैं वहां के, मतलब 20 रुपए लगते हैं यहाँ से रघुवरपुरा के लालबत्ती, तो 10 रुपए देते हैं सवारी चढ़ के। हाँ, खड़े होने के तक के पैसे। हाँ, कोई कोई पुलिस वाले हैं वो भी पैसे देते नहीं। अच्छा, अगर पुलिस वाला कोई चढ़ता है तो पैसे नहीं देता। हाँ। और ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी सवारी अगर बैठती है वो पूरे पैसे देता है। हाँ, कोई कोई अच्छी है सवारी है, बहुत अच्छे पैसे दे देती है। और कोई सवारी पूरे पैसे नहीं देती। हाँ, कोई कोई सवारी मारने लगती है, जब पैसे 20 रुपए लगते हैं 20 रुपए मांगने मारने भी लगती है। तो फिर क्या करते हो आप? फिर क्या करते, चुप बैठ जाते हैं, हम 10 रुपए ले लेते हैं और क्या। फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी यार। तो मैं किसके के लिए कह रही हूँ, आपके भले के लिए, अपने लिए, हमारे भले के लिए। मैं तुम्हारी माँ जैसे भी हूँ, बहन जैसे भी हूँ। थैंक यू, चलो ओके। ये गाड़ी है ना, आगे वाली। आ ये तस्वीर जो आप देख रहे थे, ये किरण बेदी अपना नामांकन भरने के लिए उनका जो रोड शो उसके लिए जा रही थी, और उस दरमियान कुछ लड़के वहां से निकले और उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था,